ठीक है। नमस्ते, तो आपका फिर से स्वागत है बाइक देखो में। 3 साल बाद सिंपल ने अपनी वन इलेक्ट्रिक स्कूटर फाइनली लॉन्च कर दी है। इस स्कूटर का प्राइसिंग है 1,45,000 फॉर द बेस वेरिएंट एंड 1,50,000 फॉर द एक्स वेरिएंट। दोनों वेरिएंट में सिर्फ फ़र्क है कलर्स का। जो लॉन्च प्राइस था वो अराउंड 1,15,000 था। तो आइए जानते हैं कि ये प्राइस हाइक क्यों हुई है। पहली बात करते हैं स्कूटर की स्टाइलिंग की। जैसे कि आप देख सकते हैं स्कूटर काफ़ी स्पोर्टी और मॉडर्न दिखता है। थोड़े इसमें आपको एथर के इन्फ्लुएंस दिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हैंडल बार है यहाँ पे आपको एक DRL मिल जाता है और एप्रन में आपको मिल जाता है LED हेडलाइट। जो इसका टर्न इंडिकेटर है वो भी LED है, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा विंगलेट दिया है। तो जो फ्रंट का स्टाइलिंग है ये काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी मॉडर्न है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका एप्रन है यहाँ पे, जो सेक्शन है यहाँ पे आपका फिक्स बैटरी मिलता है फुटबोर्ड के नीचे। और जो फुट पैग है ये भी एथर की तरह ही है इंटीग्रेटेड, आपको अलग से फुट पैग नहीं मिलते हैं। जो सेंटर पैनल है, जो रियर पैनल है, अगेन जो स्पोर्टी शार्प थीम है ये कंटिन्यू होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसका टेल लाइट है आपको एक स्प्लिट LED टेल लाइट मिलता है, काफ़ी मॉडर्न दिखता है। और आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। तो स्टाइलिंग के हिसाब से तो ये काफ़ी बढ़िया दिखती है, हमें तो ये लगा। आपको इसकी स्टाइलिंग कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। अब आगे चलते हैं, इसके कॉन्सोल पर आते हैं। आपको मिल जाता है एक TFT ऑल कलर कॉन्सोल। ये आके टच सेंसिटिव है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके व्हीकल डिटेल्स इसमें आ जाते हैं। आप इसके अलग अलग रन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में आपको इसमें मिल जाता है ब्लूटूथ, जो आपको इनकमिंग मैसेज, इनकमिंग कॉल्स और म्यूज़िक कंट्रोल करने मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें मिल जाता है नेविगेशन। अब आपको दिखाते हैं हम इसके स्विच क्यूब्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये डिफरेंट स्विच क्यूब्स है, जिसे आप आके वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। ये राइट हैंड साइड का स्विच गियर है। लेफ्ट साइड के स्विच गियर में आपको यहाँ पे इंडिकेटर, हॉर्न और हेडलाइट हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है। जो स्विचेस की क्वालिटी है ये भी ठीक ठाक है, कुछ बुरा नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल फिट एंड फिनिश भी काफ़ी सही दिखता है। अब बात करते हैं इसकी मोटर की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो मोटर है इसमें आपको मिलता है 5 kWh का बैटरी पैक। और जो पीक पावर है ये है 8.5 kW और पीक टॉर्क है 72 Nm। सिंपल का दावा है कि 0 to 40 का जो एक्सीलरेशन का टाइम है ये है 2.77 सेकंड, जो इसे सबसे तेज इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है भारत की। अब बात करते हैं हम इसकी बैटरी पैक की। जो इसका बैटरी पैक है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था यहाँ पे आपको एक फिक्स बैटरी मिल जाता है। पर सिंपल वन की खासियत है इसमें आपको मिलता है और एक रिमूवेबल बैटरी जो अंडर सीट के यहाँ पे है। तो ये इसका रिमूवेबल बैटरी पैक है, काफ़ी भारी है तो आपकी कसरत तो घर बैठे बैठे हो जाएगी। उसके अलावा हम देख सकते हैं जो इसका अंडर सीट स्टोरेज है ये भी ज़्यादा कम नहीं है। इवन तो इसमें आपको एक रिमूवेबल बैटरी मिलता है फिर भी काफ़ी अच्छा आपको एक अंडर सीट स्टोरेज भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक अंडर सीट लाइट भी मिल जाती है। अब बात करते हैं रेंज की। जो सिंपल वन का क्लेम रेंज है ये है 225 किलोमीटर। अगेन ये है IDC फिगर, जो रियल वर्ल्ड फिगर होगा वो काफ़ी कम होगा। जो भी रियल वर्ल्ड फिगर है वो हम आपको बाइक देखो पे जल्द बताएंगे रोड टेस्ट करके। जो चार्जिंग टाइम है, जो इसका 0 to 80 चार्जिंग टाइम है ये लगभग 6 घंटा है, जो काफ़ी ज़्यादा है। बट अगेन गिवन द बैटरी पैक और जो इसकी रेंज है उसके हिसाब से तो आप हमारे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अभी तक आया नहीं है इसमें। फास्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो आएगा सितंबर में। इसमें आपको एक स्टैंडर्ड 750 वॉट का चार्जर मिलता है। उसके अलावा और एक बड़ी बात वो है कि इसका वेट, अगेन जो इसका वेट है अब वो हो गया है 134 kg, जो काफ़ी भारी है कंपेयर टू इट्स राइवल्स। अगर हम iQube की बात करें तो उसका वेट है 118 kg, एथर की 450S काफ़ी लाइट है 108 kg, और जो ओला S1 प्रो है उसका वज़न है 125 kg। तो अगर वज़न के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसके साइकिल पार्ट्स पे। आगे आप देख सकते हैं आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फोक, अलॉय व्हील्स 12 इंच के, 1990 सेक्शन की टायर। और आप इस साइड पे आ जाएंगे तो आपको दिख जाएगा डिस्क ब्रेक। और हम पीछे चलेंगे तो आपको मिलेगा पीछे का जो टायर है उस पर भी आपको मिलता है डिस्क ब्रेक। जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो सिंपल का दावा है कि 60 to 0 की जो ब्रेकिंग है ये सिर्फ 27 मीटर्स में होती है। अगेन ये भी सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। उसके अलावा आपको दिखता है पीछे जो सस्पेंशन है, इसमें आपको पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। और ये जो स्विंग आर्म है ये भी एक कास्ट यूनिट है तो काफ़ी प्रीमियम है। तो इसकी हैंडलिंग परफॉर्मेंस जो उसकी टॉप स्पीड है, रियल वर्ल्ड रेंज है, ये तो हम आपको एक रोड टेस्ट में बताएंगे। तो ये थी सिंपल की वन इलेक्ट्रिक स्कूटर। जैसे कि आप देख सकते हैं
तीन साल के वेट के बाद फाइनली आ चुकी है भारतीय मार्केट में। बैंगलोर में इसकी डिलीवरी शुरू होगी जून 6 से। सिंपल का कहना है कि उनका प्लान है कि 140 टू 150 सिटीज़ में इनकी डीलरशिप खुली जाएगी, बट वो डीलरशिप के टाइमलाइन है 8 से 10 महीना, अभी के लिए सिर्फ बैंगलोर में। तो जिन लोगों ने बैंगलोर में इस स्कूटर को प्री बुक किया गया था उनको ये स्कूटर मिलेगा। अगेन प्री बुकिंग के टाइम पे इसका प्राइस कम था, बट आपको ये फाइनल प्राइस पे करना पड़ेगा जो है 1,45,000 रुपीज़ फॉर द नॉर्मल वेरियंट, एंड फॉर द एक्स वेरियंट इट इज़ 1,50,000। तो आपको कैसी लगी सिंपल की ये वन इलेक्ट्रिक स्कूटर, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।